ने कल सबके सामने हमारा सर झुका दिया। मेरा सर नहीं झुका, अपनों को पहले खुद इज्जत देनी पड़ती है ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कितना मोतबर है। ये तो बात सही है। लेकिन अगर आप मीरब से Hello everyone, my name is Gul and welcome back to our YouTube channel. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है तेरे बिन ड्रामा के एपिसोड 12 के बेस्ट सीन्स पर। हालांकि हम लोगों ने इसका ट्रेलर नहीं देख रखा, इसका हम टीजर नहीं देखा, हमने सोचा कि इसके पहले बेस्ट सीन्स देख लेते हैं, उसके बाद वी विल रिएक्ट टू इसके टीजर्स और इसके ट्रेलर अगर हमें अच्छे लगे तो। मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं इसमें क्या होने वाला है। ये मुझे पता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और मेरे को कोई आइडिया नहीं कि ड्रामा कैसे होने वाला है, कॉमेडी होने वाली है कि या फिर थोड़ा रोमांटिक होने वाला है, किस जनरा से, ये भी मुझे नहीं पता। वो हमें ड्रामा देखकर ही पता लगेगा। तो सीरियसली मैं इस वीडियो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सेम सिचुएशन मेरी है, मैंने ये ड्रामा बिल्कुल नहीं देखा, ना टीज़र देखा, ना कुछ भी इसके सॉन्ग का भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यही पता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं ना वो हमेशा की तरह लाजवाब होते हैं, इनकी स्टोरी बहुत अमेजिंग होती है। तो बेसिकली जो है एपिसोड का 12 एपिसोड के बेस्ट सीन्स होने वाले, तो देखते इसमें क्या होने वाला है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तमीज, ये सबक तुम्हें मैंने बचपन से पढ़ाया था। सब याद है मुझे। नहीं, भूल गए हो। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि तुमने मुझे सलाम नहीं किया। थप्पड़ मारा है आपने मेरी बीवी को। बीवी माँ से बढ़कर है। हर किसी की अपनी जगह, अपना मकान होता है। और उसने जो किया वो नजर नहीं आया तुम्हें? उसने जो भी किया उसकी सजा उसे मैं दूंगा, आप नहीं। और मैं कौन हूं? मेरी माँ है, लेकिन वो अब मेरी बीवी है। और इस बात का मतलब समझती हैं आप? मैं तो समझती हूँ, वो नहीं समझती। ये दोनों सास बहुओं का ही चला हुआ है। उसे समझाएं। हाँ, वही तो समझा रही थी मैं। मारकर, वो कोई आम लड़की नहीं है, इस गद्दी के जानशीन की बीवी है। तभी बीवी की साइड ली यार। उसे उसी जगह पे रखकर सोचे और बर्ताव करें। ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो आखिर तुमने उस लड़की को मेरे सामने ला खड़ा किया है जिसने कल सबके सामने हमारा सर झुका दिया। मेरा सर नहीं झुका, अपनों को पहले खुद इज्जत देनी पड़ती है ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कितना मोतबर है। ये तो बात सही है। लेकिन अगर आप मीरब से ऐसे ही पेश आती रहीं, तो कल को कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, मेरी और आपकी भी नहीं। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कैसे काबू करें इसे। जिम्मेदारी डालें उस पे। मतलब कैसी जिम्मेदारी है कि मतलब सही में इतना स्वीट है? वही जो इतने अरसे से आपने संभाल रखी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। उसे सिखाएं, समझाएं, ताकि वो आपका हाथ बटा सके। अरे हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं है। She don't want to give his power देना चाहते हैं उसे। जगह क्या होती है? कमाल का जगह होती है जिसका गांव हो, जिसकी जमींदारी हो, उसके लोग बाग हो, और वो तुम हो। बेहतर मुर्तसम, मेरा ख्याल यह है कि तुम्हें अब ये मुरीद मजारे गांव के उमूर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तुम तो बहुत जल्द
जनमुरीद होने वाले हो। आपकी दुआ चाहिए माँ। जन सर दोनों कायम रहेंगे। राइट। अल्लाह हाफिज। क्या रोब है ना इनका, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कैसे मैं इस लड़की को काबू करूंगी समझ में नहीं आ रहा। क्यों करना है? जो मुझे महसूस हुआ वो कोई महसूस नहीं कर सकता। पता मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि मेरे मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ा, मेरी जात पे थप्पड़ पड़ा है। मुझे बताया गया है कि इस कैद खाने में मैं कितनी कमजोर हूं, कितनी बेबस हूं। तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी ताकतवर हो। मेरी बीवी होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कैद कर लिया गया है। मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। तुम आज भी वही मेरे पाओ। सच का साथ देने वाली, हिम्मत वाली, हौसले वाली मीरा। अब प्लीज खुद को इस घर का हिस्सा समझो, फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी। ट्रस्ट में ओनरशिप तो लो। आई नो माँ बहुत सख्त हैं, लेकिन दिल की बहुत नरम है। उनका हाथ बहुत सख्त। तुमने सबके सामने इतनी बदतमीजी क्यों की होंगी? मैंने बदतमीजी नहीं की, जो पूछ रही थी उसका सच सच जवाब दिया मैंने। मेरे वो बड़ी हैं, उनका मकाम है। आज तक कभी किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की, मैंने भी नहीं। इज्जत दो इज्जत मिलेगी, प्यार दो प्यार मिलेगा। यार यार ये लड़का बहुत तो सही रहा। अच्छा चलो नीचे चलो। राइट। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। इसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो घर है ना बहुत अच्छा बन रहा है यार। मजे की लग रही है उस स्टोरी, मुझे समझ आ रही है। होते थे अक्सर एक घर खाली रहता था। एक ही एपिसोड देखने से लोगों से पता चला कि आई मीन कुछ ठीक नहीं है अंदर के हालात। तो जरा एहतियात का। ये कह रहा है भूत भूत होने वाला है यहाँ पे। क्या मतलब? मतलब खाली रहा है तो सब कहते थे कि जिन भूत हैं, साए हैं, आई डोंट नो, लेकिन सुना है मैंने भी स्पेशली इस जगह पे। सो जस्ट बी केयरफुल। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरती। अब चूंकि तुम नहीं जा रहे हो तो मैं चली जाती हूँ, बहुत रात हो गई और मुझे तुम्हारी मजीद बातें नहीं सुनी। हाँ भाई, काली अंधेरी रात। क्यों बुलाया था माँ बेगम ने? वो मैंने उन्हें सलाम नहीं किया इसलिए। सिर्फ इसलिए बुलाया था उन्होंने? हाँ। तुमने कुछ कहा नहीं? मुझे क्या कहना चाहिए था? तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने मुझ पे हाथ क्यों उठाया। ओह, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं थी मुर्तसम,
मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था उन्होंने। ये तो वेरी मैच्योर गाय बहुत ज्यादा है ना। वो इस घर की बड़ी है, शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। जो वो कहती है मान जाए करो। रीनी सीरियसली तो मुझे ये कह रहे हो कि मैं बर्दाश्त करूं हर चीज चुप करके? मुझे समझ जाना चाहिए कि इस घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। तुम मुझे अपनाओ, सब तुम्हारे हो जाएंगे। कभी मुफ्त में भी ना अपनाऊं मैं तुम्हें, क्योंकि ये सब कुछ जो रहा है तुम्हारी वजह से। और तुमने जो मेरे साथ किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। प्लीज मुझे मत छोड़ना। यार मुर्तजा का क्या लगता है ना? मेरा बेबी, आपको माँ बेगम बुला रही हैं। आप क्यों बुला रही हैं? मैंने बस उनसे इतना कहा है कि अगर आज के बाद मीरा कोई भी हरकत करे उसे थप्पड़ ना मारिएगा, डायरेक्ट गोली मार दीजिएगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता। वाह। और स्पेशली तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। As you wish, शौक से जाकर मरे। बहुत ही कमाल के सीन्स थे यार, सीरियसली मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे। एंड आई एम डैम श्योर कि हम लोग इसका ट्रेलर भी रिएक्ट करेंगे और इसके टीजर भी देखेंगे। और मतलब कि इसमें यमुना जैदी है और वो मैंने उनको एक उसमें देख रखा है, ड्रामा में देख रखा है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन से ड्रामा में देख रखा है, पर देख रखा है जो। लेकिन ये लड़का है वो मेरे लिए बिल्कुल नए है, मैंने इनको आज तक किसी भी ड्रामा में नहीं देख रखा है। और सीरियसली मुझे ना इस लड़के का लाइक लिटरली मुझे इस एक्टर का बहुत अच्छा रोल प्ले लगा। फर्स्टली आई वॉज थिंकिंग कि वो डबल प्ले कर रहा है, लाइक वो दोगला बन कर रहा है, लेकिन आई वॉज टोटली रॉन्ग। वो ना बहुत ही मैच्योर, उसने अपनी माँ को भी बोल दिया कि वो मेरी बीवी है तो आप उस पर थप्पड़ नहीं मार सकते, और आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप उस पर थप्पड़ मारो, जो कि बहुत ज्यादा सही था कि आप कोई भी कुछ गलती कर रहा है ठीक है, सांस बहू में ऊपर नीचे होता रहता है, पर इतना किसी को राइट नहीं होता कि उसको थप्पड़ मारे चाहे वो सांस ही क्यों ना हो। तो उन्होंने उसको बिल्कुल सही समझाया कि लाइक आप मेरी बीवी को थप्पड़ नहीं मार सकते। और फिर उसने अपनी वाइफ को भी सही समझाया कि ऐसे करके कि ठीक है एडजस्ट करो, आपको भी जरूरी नहीं है कि उनके साथ ही लड़ने का, ये वो जो वो बोलती है चुपचाप सुन लिया करो ना ये वो। तो लाइक वो बहुत ज्यादा मैच्योर है, वो मतलब वो मियाँ बीवी के झगड़ों में ऐसा नहीं कि वो पिस रहा है, बल्कि उनको ना बहुत ही प्यार से सुलझा रहे, तो उनको मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और सीरियसली ये ड्रामा सभी ड्रामों से बहुत ज्यादा अलग है, और मुझे तो सीरीज इसके सीन्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे। बिल्कुल ऐसे यार, और मुझे तो यमुना जैदी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसमें मतलब इनके साथ वहाज अली थे और वहाज अली की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हर ड्रामे में, और इस ड्रामे में तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, लाइक बहुत मासूम सा जिसके ऊपर तर्स आता है ना जिस बंदे पे, मुझे वो आ रहा था ये वहाज पे। तो उनका नाम मुर्तजा है इस ड्रामे में, और लाइक वो अपनी ऐसा लग रहा था जैसे अपनी वाइफ से डरते हैं, अपनी मम्मा से भी डरते हैं, और दोनों को ऐसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं यार तुम चुप कर जाओ तुम चुप कर जाओ, बस मामला सुलझ जाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। मुझे तर्स आ रहा था बेचारे के ऊपर, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका हुआ रहा, सही बात है। तो मुझे ना ये वाला लग रहा था, लेकिन ये तो मुझे ना ये वाला मतलब अच्छा लगा एपिसोड, और लाइक बहुत ही इन दोनों में जो अटैचमेंट है ना, दोनों ही बहुत मैच्योर हैं अपने अपनी जगह पर। यमुना जैदी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा मैच्योर और ऐसे संजीदा वाली है, और सेम वैसी वहाज की, हालांकि डिफरेंट होती हैं। हम अगर कोई भी ड्रामा देखते हैं ना उसके अंदर ऐसे होता है कि अगर दोनों का जो बिहेवियर होता है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या स्टोरी बहुत अलग सी लग रही है, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम है और स्टोरी भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब देखना ये कि कौन हार मानता है और कौन मतलब लाइक बहू जीतती है ये सास, या फिर सुलह हो जाती है वह आज के कहने पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं गुल से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी भी सांस है गुल?
हाँ मेरी सास है माशाल्लाह, वो तो बहुत अच्छी है यार, वो नहीं ऐसी करती है। यहाँ पे थप्पड़ चल रहे हैं, थप्पड़ मुझे तो कभी किसी ने गाली भी नहीं निकाली, थप्पड़ चल रहे हैं मुझे इसलिए हंसी आ रही थी, कहीं कहीं गुल और सास के बीच भी तो ऐसे जंग नहीं चढ़ती है। नहीं इस सास के साथ जंग नहीं चलती, बच्चों के साथ चलती होती है, वो सही टॉर्चर करते हैं। सास बेचारी कुछ भी नहीं कहती, हमें बातें ही होती हैं, कुछ भी नहीं होता। सीरियसली बाकी वीडियो बहुत ज्यादा फनी थी, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाजमी लाइक करें। बहुत ख्याल के घर में, इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय।